जौनपुर के नौपरवा हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े लड़की को छेड़ रहे युवक को ग्रामीणों ने कर दिया पिटाई। आपको बता दूं, आज के युवाओं में जब इसका भूत सवार होता है तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। उनको जेल जाना पड़ेगा या उनके ऊपर मार पड़ेगी, क्या हो दिन क्या हो रात, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज नौपरवा बाजार के पीछे हाईवे पर देखने को मिला। वहाँ हाईवे के बगल गाँव में दिन दहाड़े उपली पास रही एक लड़की को अचानक एक युवक पहुँच कर छेड़छाड़ करने लगा। लड़की शोर मचाने लगी तो ग्रामीणों ने पहुंचकर उस युवक की पिटाई कर दी। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। बहन बिटिया घूमत है, ये बहन बिटिया ना है हमको बे, आदमी शराफत करत है, बड़ा हो गया पड़ा था तो शराफत करत है, तुम्हें शराफत का फायदा उठा रहे हो, बैठो बैठो इनका बैठो फोन करा वो लड़के रहा का बोला बैठो बैठो क्या नाम है, क्या नाम है भाई? बता सचिव आशीष। आशीष कहाँ घर पड़ेगा? सर नपड़वा। हाँ नपड़वा। क्या मामला है, क्यों मारपीट हुई है? सर जी हम जा रहे थे घर पे, सब ऐसे बोले लड़की छेड़ रहे थे, हम सभी लड़की नहीं लड़की लड़की छेड़ रहे थे। हाँ तो ऐसा कहा लड़की छेड़ रहे थे। हाँ। हम सीधा साइकिल से जा रहे थे घर, वहाँ हमको रोक के मारते हुए यहाँ पर मारे। क्यों मारे सर जी? वहाँ पर लेकर आए, कहते क्यों लड़की छेड़ रहे हो? लड़की कहाँ की है? हमको नहीं पता सर, बुला लीजिए कहाँ से लड़की है, मतलब कोई अपनी बहन बेटी कर यहाँ पंच लिए थे, निकालो उसको, रखो। और पता चला भी है कि ये दो ये कई बार मार भी खा चुका है। और कौन था, किसी के चक्कर में इतना बड़ा था, छोटा था, मैं छोटा तुम आदमी है। अरे गांव कौन है, कई बार दुकान से दो गांव गांव कौन सा बताया तुम्हारा, कौन सा है नौपड़वा? ये भी है बे नौपड़वा कहां? कांड करने स्कूल के पापा का नाम बताओ, अपने पिताजी का नाम बताओ, का नाम बताओ, पूरा एड्रेस बताओ। राजकुमार। झूठ ना बोल। राजकुमार लखनीपुर से। क्या मामला था बताओ, एक मिनट भैया, क्या मामला था? मौके में खाना ही खा रहा था, पता चला कि रोड पे मार हो गई, गाड़ी लड़ गई। हमने कहा कहीं नजदीकी वाले होंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत मैं छुड़ाने का मसला किया। देखा मेरे चाचा का लड़का था, उसको पंच से मार दिए और मार के भागना शुरू कर दिया। पंच से मार दिया, मार दिए और गिर गया। उसके बाद ये भागना शुरू कर दिए। हमारा चाचा छोटा खड़ा था, उसमें गाड़ी लेके उधर से आ ही रहा था। मैं उसको तुरंत मुड़ाया, रोका, बस गाड़ी घुमा तो फिर उसको पकड़ता हूँ, कितना देर भागेगा। जाते जाते मैं इनको सलारपुर में पकड़ा, सलारपुर पकड़ के वहां से ले आया, तो पता चलता है किसके पास पंच निकला। और पंच निकाल के मारा, मैं भाई से इसको पकड़ के आ रहा हूँ। और ये भाई साहब किसी तरह छुड़ाए, ये भाई साहब नहीं है, ये भाई साहब आपके हाथ में, आप सामने मार रहा था, हमारे सामने मार रहा था, इसके हाथ में से पंच छोड़ा गया। तो तू पंच मारोगे? भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। चोट कैसे लग गया आपको? लड़के ने लड़की को छेड़ रहा था। अच्छा लड़की छेड़ रहा था, लड़की बर्तन मजाई थी। मैंने वहाँ देखा इसको, दौड़ाने की कोशिश की, दौड़ाया इसको, इसे मैं पकड़ा, पंच के सबको मार दिया। अच्छा पंच से तुरंत मार दिया, पंच है। अच्छा अच्छा ये बताइए, कब से यहाँ, कई बार आ चुका है? नहीं इसको पहली बार देखे। अच्छा लड़की छेड़ रहा था, आप लोग पकड़ने आए तो अब मार दिए? पकड़ने आए थे। आप पहचानते हो कहाँ का है? पहचानते नहीं है। अच्छा ठीक है।